आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं आपके साथ तुषार। चलिए रुक करते हैं खबरों की तरफ। तो खबर गाजीपुर की है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जन्मदिन हिंदू नववर्ष प्रतिपदा के पावन पर्व के अवसर पर उन्हें सर संचालक प्रणाम किया गया। वहीं नगर में भव्य पथ संचालन का आयोजन भी किया गया। साथ ही जानकारी के लिए आपको बता दें कि डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में चैत्र प्रतिपदा शुक्ल पक्ष में हुआ था। उन्हें 6 पर्वों में से प्रथम पर्व आज बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं विक्रम संवत 2080 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अवसर पर गाजीपुर नगर में लगभग 1000 स्वयंसेवकों ने अपने परंपरागत पूर्ण गणवेश में पथ संचालन। ओम प्रकाश, सह विभाग प्रचारक जौनपुर। ओम प्रकाश जी, आज जो है RSS का जो कार्यक्रम रहा, पथ संचालन हुआ, इसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम हुआ, किस तरह का कार्यक्रम था, उद्देश्य क्या है इसका? आज से नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, विक्रमी संवत 2079 पूर्ण हो करके आज 2080 वर्ष लगा है। 5125वां यह कलयुगाब्द का कलयुग का प्रथम चरण लगा है। आज से ही नया वर्ष प्रारंभ होता है। आज के दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सर संघचालक परम पूज्य डॉक्टर केशवराम बलिराम हेडगेवार जी का जन्मदिवस आज ही मनाया जाता है। आज ही के दिन भगवान श्री राम जी का राज्यारोहण हुआ था, युधिष्ठिर का राज्यारोहण हुआ था। आज ही के दिन गुरु अंगद देव जी का जन्मदिवस हुआ था। आज दिन भगवान झूलेलाल की जयंती मनाते हैं। आज से प्रत्येक प्रकृति के कड़ कड़ में, वातावरण में, पेड़ों में, वृक्षों में, हर स्थान पर नई ताजगी आ जाती है। सब लोग साथ मिल के चले, यह नया वर्ष है और नई ऊर्जा जो हम लोग को प्राप्त होती है, और केवल मनुष्य नहीं प्रकृति भी इसका स्वागत करता है। यह हमारा नव वर्ष है और हजारों वर्षों से हमारी कालगणना शुद्ध है। इसके आधार पर हम जो साल भर कार्यक्रम करते हैं, और हमारा उद्देश्य है पैर से पैर मिलाया, मन से मन मिलाना, और मस्तिष्क से मस्तिष्क मिलाकर एक साथ जब हम भारत के उत्थान की बात करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें राष्ट्रीय हिंदी न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।